चौक की मंडी का सबसे बड़ा बेड़ा और सबसे खूबसूरत बेड़ा फिलहाल का ये माशाल्लाह से मेरे से थोड़ी बहुत हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी। स्वयंलो जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बाबा जी आप लोगों का भाई आ गया एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं यार मंडी। तो बाबा जी संगी संगी जाने लगे हैं। ठीक है भाई के दोस्त उनको मिलते हैं बाहर खड़े हैं पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक हो? ऐसे भी ठीक हो? तबीयत से ठीक है भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर चलते हैं। आए नहीं है वो दूसरे लड़के? आए हुए हैं बैठे तुम्हारी वेट कर रहे थे। चलो आते हैं फिर आओ ना। चलो लेके आओ यार एक और भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है यार? ठीक है और सुनाओ यार? तो चले मंडी यार। चलो चलो यार इस पे जाना है। चलो इंशाल्लाह यार अब देखते हैं बाटा जाएंगे। किधर किधर जाना है यार वैसे? पहले जाएंगे बाटा फिर संजानी फिर उसके बाद टेक्सला। तीनों में से जो भी दिन तो बहुत ज्यादा महंगाई थी ना आज इंशाल्लाह सही है यार। आप दोनों भाइयों की वजह से मैं जा रहा हूँ मुझे पता है महंगाई बहुत है। दो दिन पहले रेट गिरेगा मंडी का तो बात समझ में आएगी। यही है कि मंडी चेक करते हैं आप लोगों को देखते हैं मंडी चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। फिर भी आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा पार्किंग में आना है तो 50 रुपए साथ लेके जो हमारे रेफरेंस आए उसे भी 50 ही जी भाई जो भी आएगा 50 रुपए 45 तो करो ना यार 45 नहीं है तो रुपया भी कम नहीं होते भाई पैसा ही पैसा होगा यार। अभी तक तो बाटा चौक की मंडी का सबसे बड़ा बेड़ा और सबसे खूबसूरत बेड़ा फिलहाल का ये माशाल्लाह से मेरे से थोड़ी बहुत हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मारता है नहीं यार मारता नहीं है बहुत प्यारा बेड़ा यार मंडी का सबसे बड़ा बेड़ा फिलहाल यही है। ये भी कितने खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह से बेड़े खड़े हैं यार। किसने आना हो आज भाई आखिर कहेंगे बिल्कुल बाटा चौक की मंडी। जी भाई क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए तुमसे कह रहा था आओ पहले सलाह मशवरा करते हैं बुजुर्गों से बात कर लेते हैं मेरा तरीका था निकलने का क्योंकि तो मुझे वो लग रहा था वो छका है वो पूरा दांत उसका दिखा रहा था आधा दिखा रहा मैं उनसे कह रहा इसको पूरा दिखाओ उसका जब उसने पूरा उसका दांत दिखाया तो छका निकल आया ना और इसने रेट लगा दी 1.90 एक छोड़ो 1.80 भी वो सर पड़ रहा था शुक्र छक्का भी था ना शुक्र उसका लिया नहीं है रेट वही ना सर पड़ने वाली बात थी। जी मंडी में पाँव की हालत देखा बस बाकी छोड़ो यही है भाई असल मेहनत बैठे की बैठा लेने की। यहाँ पे भी जानवर तो खड़े हैं आपके हैं भाई? हाँ जी। कितने का वैसे आप देते हो ये वाला काला चिट्टा? 2.5 लाख का। अगर हमारी वीडियो देख के कोई आया उसे नहीं है एड्रेस कोई बता दो यहाँ का मेन ये मेन एड्रेस वो सामने वाली को ये बाटा चौक यार मेन रोड है ठीक है वहाँ से जो सा मोड़ मुड़ेगा ना दो साइड पे वहाँ से आपने राइट साइड पे हो जाना है ठीक है फुल राइट हो जाना मतलब सीधा वाली साइड पे नहीं जाना राइट होंगे तो सीधा ये वाला रोड निकलेगा ये रोड पे बिल्कुल सामने ये घर है घर के सामने ये मंडी छोटी सी लगी हुई है ठीक है बाटा चौक इस साइड पे है ना इस साइड पे तो इस साइड से इधर आ जाते हैं आना फिर मशवरा करना इनसे यार बहुत अच्छा मुनासिब रेट है आप लोगों के लिए तो आके देख लेना आप लोग ठीक है फिर हम लोग A few moments later. अभी ये जानवर ये वाला बड़ा पसंद आया है थोड़ा सा रेट समझ भी आ गया और बन भी गया बस इंशाल्लाह चेक करो ये दांत है पूरा ये धोंदा है यार पूरा धोंदा है मैं बता रहा हूँ कि जितने का ये बैल हुआ है ना इतने का बैल नहीं है बस इतने का बैल नहीं है बस बस गल खत्म बस बात खत्म हो गई ए भाई सब देखो अल्लाह लेकिन जो चीज हमें मिल गई है ना मेरे ख्याल में मंडी में इतने की नहीं है जितने की हमने ली जी जी कितने की ली है छोड़ो एड्रेस बताओ यार छोड़ो भाई की और भी कोई भाई लेने आने वाला है एड्रेस आपको बताता हूँ जी बाटा चौक मंडी में खड़े हैं मंडी में तो आपने जाना ही नहीं है लानत भेजो इन मंडी वालों पे जहाँ बैल को हाथ लगाते हैं 5 लाख 6 लाख रेट देते हैं और हमने कुर्बानी अल्लाह के राम में देनी है हमने आगे जाके वहाँ सजावट के लिए खड़े नहीं करने इन भाई के पास आए हूँ यहाँ यकीन मैंने इतना को सस्ता रेट मिला है ना 3 बैल मुझे पसंद आए हैं
और तीन का रेट बहुत उन्होंने जायज रेट दिया है। ये बिस्मिल्लाह मेरे से हो रही है, ये बैल करने का नहीं है जितने का उन्होंने दिया। हम तो भाई कोशिश कर रहे हैं कि मदद हो जाए। ये वाला यार जानवर आपके सामने, ये वाला माशाल्लाह से बहुत प्यारा जानवर है। चलो यार कोई नहीं, माशाल्लाह से डील होगी है थोड़ी बहुत, देखते हैं। बाइक से आप पूछते हैं यार, अब गरवन से पूछा कि अब वो लोग क्या कहते हैं कि अब मतलब क्या कहते हैं आपके वो लोग, अब देखते हैं बस। ये जो यूट्यूबर कहते हैं ना कि रेट आपने खराब किया है, कुछ किया है, अगर आप रेट बनाने के लिए आए हैं ना, अगर आपने किसी से रेट बनाना है, अगर आपने चलते जा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। और माशाल्लाह से अभी अभी हमने ले लिया है, टोर चेक करो माशाल्लाह से यार, यहाँ पे सर्विसेज भी हो रही हैं, बैल की यहाँ पे सर्विस भी हो रही है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कोई टीटू पार्टियाँ नहीं लगा रही, सही है यहाँ पे। ओहो बहुत ही फुल सर्विस हो रही है, सही हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फाइनली गाड़ी में बिठा दिया इन्हें अंकल की। हाँ जी अंकल जी, बेड़ा सही मिल गया? जी सही मिल गया जी भाई। अंकल को भी पसंद आया है, ये जिन्होंने दिया उन्हें भी पसंद आया है, और अंकल भी गए हैं, अंकल को भी चीज बड़ी पसंद आई है, बस अल्लाह कबूल करे। भाई आप लोगों को बस हम बार बार कह रहे हैं, इन भाई के पास आपने जाना है, अच्छा रेट बनाएंगे भाई, और इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे, खाली नहीं भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये मंडी बाटा चौक वाली मंडी के पीछे करके है, एक पीछे मंडी है, उससे पीछे एक और मंडी है। आपने ये काट है ना, बाटा मंडी वाला जाता है, आपने इस काट को नहीं लेना, आपने सीधा आगे चले जाना है, रास्ता दिखाओ। ये देखो ना, ये वैसे बाटा चौक यहाँ से अंदर चली जाती है ना, आपने यहाँ से सीधा आके इधर जाना है, ठीक है। इधर जाएंगे आगे सामने आप लोगों को बैठे नजर आ जाएंगे, ठीक है, उस साइड से साथ ही अंदर होना है भाई, नीचे की तरफ होंगे, ठीक है जी भाई। क्या कहना चाहते हैं, चले कार फिर, चला जी हम लोग पहुँचते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। ये भी अनलोडिंग होने लगी है, सही है, बच्चे छच्चे पहुंच गए हैं, गुड आ गया जी, सही आ गए, गुड आ गए, फिट आ गए, अभी उतारने लगे हैं, दिखाते हैं फिर आप लोगों को बाबा जी, सही है ना। वालेकुम सलाम, ठीक मिल गए, ठीक है, फिट है जी, भाई आपको पहले फिट है जी, लोगों को स्कीमें बता दे माशाल्लाह से आराम से उतर गया बाबा जी बेड़ा। तो बाबा जी बेड़ा लेके आ गए थे, खाने खाना खिला दिया, तो इसको बोलते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।